महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अयोध्या दौरे को लेकर के उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने जमकर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि धर्म के नाम पर ये जो कुछ भी चल रहा है मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, प्रभु श्री राम पर हमारी भी आस्था है। उन्होंने कहा कि मैं भी कई बार अयोध्या जा चुका हूँ लेकिन बीजेपी हमारे साथ तो नहीं आई थी। जब बाबरी का मुद्दा हुआ था तब वे भाग गए थे और अब गद्दारों की उंगली पकड़ करके जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। संजय राउत ने कहा कि मैं खुद अयोध्या बीते 40 सालों से जाता रहा हूं, अयोध्या मामले हुए आंदोलन में शामिल रहा हूं, उस पर चले मुकदमे में मैं भी आरोपी हूं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के लोग कभी हमारे साथ तो नहीं आए थे, जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ तब हमको छोड़कर भाग गए थे, हालांकि अब ये जा रहे हैं गद्दारों को उंगली पकड़कर। आपको क्या लगा कि भगवान श्री राम उनको आशीर्वाद देंगे? आप देखिएगा इनके मुंबई लौटने के बाद सरकार को क्या होगा। बेईमानों को कभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश हुई है, ओले पड़े हैं, राज्य के किसानों की हालत खराब है, किसान रो रहा है, बावजूद इसके सब कुछ छोड़ करके ये सरकार अयोध्या पहुंच गई है, ऐसे में क्या प्रभु श्री राम इनको आशीर्वाद देंगे? अगर आपको प्रभु श्री राम में इतनी आस्था थी तो आप सूरत और गुवाहाटी भाग कर नहीं जाते, आप लोग सबसे पहले अयोध्या ही जाते, लेकिन आप लोग अयोध्या नहीं गए। राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे का ये जो अयोध्या दौरा है वो बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, बीजेपी के लोगों ने उन्हें कहा है कि आपको अयोध्या जाना चाहिए क्योंकि हम लोग अयोध्या जाते रहते हैं, वहाँ पूजा अर्चना सरयू नदी के तट पर आरती करते हैं, इसलिए शिंदे सेना हमारी कॉपी कर रही है, लेकिन असली असली होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है, पब्लिक सब जानती है, ये लोग हमारी मिमिक्री कर रहे हैं तो करने दीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 2 दिवसीय यूपी दौरे पर शनिवार को लखनऊ पहुंचे। रविवार सुबह पूरी कैबिनेट के साथ दिनभर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रहेंगे। पहले श्री रामलला के दर्शन किए और आरती किया और उसके बाद मंदिर निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। शिंदे के साथ शिवसेना के नेता, सांसद और विधायक और सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहे। दरअसल जून 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभालने और चुनाव आयोग की ओर से शिंदे के अगुवाई वाले धड़े को शिवसेना के तौर पर मान्यता देने और उसे तीर और कमान चुनाव निशान मिलने के बाद अयोध्या के पहला दौरा होगा। मुंबई एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो अपने अयोध्या दौरे की आलोचना का अपने काम के जरिए जवाब देंगे। उन्होंने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छी बात है कि हमारे काम के कारण जो लोग कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले वे लोगों से मिलने जा रहे हैं। शिंदे ने कहा कि अयोध्या हमारे लिए आस्था का विषय है, मैं राम मंदिर के निर्माण में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। उधर शिंदे के अलावा शिवसेना के कार्यकर्ताओं को अयोध्या लेकर एक स्पेशल ट्रेन जय श्री राम के नारों के बीच शुक्रवार शाम ठाणे रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, जो अयोध्या पहुंच गई और सीएम शिंदे के साथ ही इन सभी कार्यकर्ताओं ने भी प्रभु श्री राम के दर्शन किए। लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है, जहां विरोधी दलों ने एक बार फिर से राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार को अपने निशाने पर लिया है और सवाल पूछा है कि जब राज्य में भारी ओलावृष्टि के कारण किसान हाय तौबा कर रहा है, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तब राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं, और यही कारण है कि संजय राउत ने भी एकनाथ शिंदे को अपने निशाने पर लिया। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।